पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेरा नाम कृष्ण कुमार अग्रवाल, मुरादाबाद बाजारगंज का रहने वाला हूँ। ये ज्यादातर सही है और इसके वही रिजल्ट 80% तो सही होते ही हैं। अब जो आए हैं इसका सही अनुभव अनुमान थोड़े दिन बाद हो जाएगा। मोदी सरकार भले ही यूपी में पहले के तरीके से कामयाब न हो, लेकिन और जगह जहां पहले मोदी सरकार का प्रभुत्व नहीं था वहां उसकी सीटें बढ़ जाएंगी। इस हिसाब से मोदी सरकार सेंटर में आनी चाहिए और वो आ जाएगी। हाँ, यूपी और बंगाल में जहाँ विरोध है तो वहाँ जहाँ भी विरोध होगा वहाँ नुकसान तो थोड़ा बहुत होता ही है। एकता और गठबंधन कभी फेल नहीं होता है, उससे कामयाबी मिलती है। तो भले ही कामयाबी थोड़ी हो, जितना गठबंधन हुआ है उससे कामयाबी थोड़ी बहुत मिलेगी। यदि ये गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होती तो इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते। अभी भी इसमें बहुत सी पार्टी रह गई जो वो उन्होंने सहयोग इस गठबंधन को नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रियंका अगर शामिल हुई है तो उससे कांग्रेस को कुछ ना कुछ फायदा होगा। आज कांग्रेस को नए लीडर्स की जरूरत है और उसकी कुछ थोड़ी सी कमी उसके आने से जरूर पूरी हो जाएगी। गठबंधन से कांग्रेस ने गठबंधन को नुकसान हुआ है, अगर इसमें शामिल होती तो कुछ ज्यादा फायदा होता। दीपक अग्रवाल, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। एग्जिट पोल एक भ्रम है और ये भ्रम लोगों के बीच में अंधविश्वास पैदा कर रहा है। आज एक या दो चैनल तो है नहीं, 85 चैनल यहाँ पर उपलब्ध है। कोई चैनल बीजेपी को 350 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है। क्या एग्जिट पोल है? ये इतना ही टाइम अगर ये चैनल मिलकर अपने और विकास में लगाए देश के तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कोई सवाल व्यक्ति एग्जिट पोल को देखता है समझता है तो वो परेशान होकर रह जाता है कि एग्जिट पोल है क्या? क्या एग्जिट पोल के नतीजे उस हिसाब से आ रहे हैं? आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि कोई एग्जिट पोल गठबंधन में कुछ सीटें दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। अब 400 सीटें कोई बीजेपी को दिखा रहा है, कोई 250 दिखा रहा है, 150 सीटों का रहता है तो एग्जिट पोल कहाँ रह गया? वो ये भ्रम है। इतना समय इन चैनलों को किसी राजनीतिक काम में अच्छे में लगाना चाहिए, प्रदेश के विकास में लगाना चाहिए, अच्छी सुविधाओं में लगाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100% मोदी जी की बनेगी, भले ही उन्हें थोड़ा इंडिया का सहारा लेना पड़े, लेकिन सरकार कोई मोदी से या एनडीए के साथ बनेगी सिर्फ मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी ही शिक्षा में देश को चलाने के लिए। बाकी इस देश को मोदी जी से ज़्यादा प्रधानमंत्री की इस देश को ज़्यादा जरूरत है और इस देश को चाहिए कि मोदी जी ही सरकार बनाए और कोई अन्य ना बना पाए। क्योंकि आज हम कांग्रेस भी देख लीजिए, आज पप्पू को जितने रूप में जानते हैं, आज पप्पू बेटा कर रहा है। ऐसे ही आप माननीय केजरीवाल जी भी देख लीजिए कि कैसे उनके नए नए बातें क्या निकल के आते हैं। एक देश के प्रति जो गंभीर है वो बाकी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। 5 उंगलियां बनके एक मुक्ता बनता है और यहाँ पर तो मेरे ख्याल में शायद ये 22 पार्टियां हैं, तो ये दो हाथ भी कम है इसके लिए। क्या ये सफल होगा? मेरे ख्याल में तो ये सफल बिल्कुल नहीं होगा, न होने की उम्मीद है मुझे। क्योंकि जब दो भाइयों की राय ऐसी नहीं हो सकती, एक बहू के आते ही तीन भाई तीन कमरे अलग अलग कर लेते हैं, तीन मंजिल अलग कर लेते हैं, तो क्या 22 लोग मिलके वो भी हर प्रदेश के एक हो सकते हैं? नहीं, ये गठबंधन मेरे ख्याल में सफल नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, हमारे देशवासी निर्णय लेते हैं, उनके सामने हैं, और जिस यदि इस सरकार ने काम किया है, जो मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं यदि पूरे किए हैं, तो इनकी सरकार निश्चित आएगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। नोटबंदी की, उससे पूरा कंस्ट्रक्शन पूरे देश का धराशायी हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है।
वो सब बेरोजगार हो गए, मिलने की जगह रोज बेरोजगारी बढ़ गई। किसानों ने कितनी आत्महत्याएं की पूरे देश को मालूम है, क्योंकि किसानों को तो बेचारों को दिल्ली आने तक से रोक दिया, किसानों को अपना दाम नहीं मिल गया, किसानों को कोई ऐसा किसानों के लिए हित में काम नहीं करा। तो जब जहाँ रोजगार, किसान और मजदूर परेशान है, तो वहाँ कैसा विकास है? तो मैं नहीं समझता ऐसा कुछ किया हो जिस आधार पर वोट मांगे जाए। भाजपा ने पहले राम मंदिर के नाम पर वोट लिया, वो भी मुद्दा 25 वर्षों तक चला, आज वो मुद्दा ही खत्म कर दिया, उस पर बोल नहीं समझते हैं। अब बात आ गई इस बात की कि चलो एक मुद्दा ने पकड़ा, अब पकड़ लिया दूसरा मुद्दा कि राष्ट्रहित, देशभक्ति। देशभक्ति तो हर व्यक्ति में है जो भारत में पैदा हुआ है। मैं तो समझता हूँ भारत में जो भी व्यक्ति है वो देशभक्त है, जिसका घर इस देश में है वो देशभक्त है। और अपवाद एक आधा कहीं मिलता है तो उसके लिए हमारा कानून है। अगर कोई आतंकवादी आके बरगलाता है हमारे बंदों को, अगर वो बरगलाई में आ जाते हैं तो उसके लिए कानून है, बहुत सख्त कानून हमारे यहाँ है, ऐसा थोड़ी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सपा बसपा का जो गठबंधन है उसे विपक्ष बिल्कुल बेकार साबित बोल रहा है, क्या कहें? सपा बसपा का बहुत मजबूत गठबंधन है और उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 60 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलकर आ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका तो साक्षात उदाहरण जो उपचुनाव हुए थे, 5 उपचुनाव हुए, 5ों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन कहीं से भी सीट नहीं मिली उन्हें, ना केरना में मिली, ना फूलपुर में मिली, ना गोरखपुर में मिली, ना नूरपुर में मिली, तो ये तो टेलर था। अच्छा, ईवीएम को लेकर जो एक बात चली आ रही है उस पर क्या कहें? नहीं, ईवीएम में देखो पीछे थोड़ी शिकायतें आई थी, अब इम्प्रूव करा है इन्होंने, मैं समझता हूँ विश्वास करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा ईवीएम जब एक चुनाव आयोग ने कोई चीज़ बनाई है तो अच्छी ही बनाई है, चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है, चुनाव आयोग को देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि कोई अपना मैंडेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक व्यक्ति जो वोट डालने जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें उस पर पूरी सुरक्षा उसकी रखनी चाहिए, उसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए किसी का। तो मैं तो समझता हूँ ईवीएम का तो कोई मसला नहीं है।